भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में वन आज भी लोगों की संस्कृति और आस्था की वजह से बचे हुए हैं। इन वनों को स्थानीय देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। पंजाब में भी ऐसे कई पवित्र वन हैं, पर दूसरे राज्यों की तुलना में कम हैं। अपनी खेती के लिए मशहूर पंजाब की 80% भूमि पर खेती होती है। यहाँ केवल 3.67% ही वन क्षेत्र है। इन वनों में मंदिर तो है ही, यहाँ कई जीव जंतु और देसी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ के वृक्षों से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं पीढ़ियों से इन वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। असी जिहड़ियां चिड़ियां जिवें जे तुसीं हुण अज वी जे असी मालवे च जाने आ, प्योर जिहड़ा बठिंडे साइड ते चले जाने आ, ते गोबिंदपुरा भियाणा साहिब दे विच जिहड़ी इक चिड़ी आ उत्थे मेन, हालांकि उत्थे करीर जंड वी मिलदे पर मेन जिहड़ा हैगा वण दा रुख है। जे तुसीं ढक्की साहिब दी गल करिए तां उत्थे ज़्यादातर ढक किसू दे आ ने। जे तुसीं गुरदासपुर साइड नूं जाने आ तां उत्थे उदां दी जिहड़ी हैगी आ विद जिहड़ी हैगी पंजाब दे विच वी जिहड़ी वेरिएशन है वैदर दी, क्लाइमेट कंडीशन दे हिसाब नाल जो धार ब्लॉक दी जिहड़ी होर तरह दी आ। और वो जिहड़ियां साडियां इह चिड़ियां सीगियां वो उन्हां ने सारा फलोरा संभालिया होया सीगा। तो बाबा जी ने ये जंगल एक रात में खड़ा कर दिया। जो एक रात में खड़ा जंगल होने से इसका नाम बना चटपट बनी, जिसके नाम पे ये चटपट मन नाम पर प्रसिद्ध हो गया। जहाँ DFO तिवारी जी हमारे पठानकोट को आए थे, अफसर जो फॉरेस्ट जो महकमे के गार्ड हैं वो आए थे, उन्होंने देखा कि ऐसा दरख्त बाहर नहीं कहीं पाए जाते पूरे पंजाब में, वो भी घूमे। दूसरा एक बाबा जी ने इसको सलाह भी दे रखा है इस जंगल को कि ये जंगली लकड़ नहीं कुछ, अगर कोई छेड़ेगा उसे नुकसान होना शुरू जाएगा। तो आज भी ये वो प्रथा चलती आ रही है, जहाँ से कोई दातन भी जहाँ से नहीं ले जा सकता, हाँ मुर्दा के ऊपर शमशान भूमि ऊपर जो लकड़ पा सकते हैं वो माफ है। इनमें से कई पवित्र जंगल का प्रबंधन स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन जंगल के ऊपर बढ़ रहे खतरों से यह काम मुश्किल होता जा रहा है। एक बड़ा खतरा है बाहरी घुसपैठिए पौधों का जंगल में तेजी से बढ़ना। जे असी एक पहाड़ी किक्कर का ही वड्डा दरख्त देखिए तो वो थले बिल्कुल सतह साफ होएगी, वो नीचे कोई छोटी झाड़ी या कोई भी बूटी नहीं मिलती। सो ये ऐसे ताड़वी बूटे ने जिहड़े ये कह लो कि साडे नैचुरल सिस्टम दे विच घुसपैठ करके आए हुए ने, जिहड़े कि साडे जो मूल निवासी पौधे ने उन्होंने हौली हौली करके खत्म कर रहे हैं। और इस जिहड़ा मेनली ये वण दा पुराना जंगल है, सो ये कई साइडा तो हौली हौली यदा पसार जोड़ा है वह बदना शुरू होया हुआ। और जे यही हाल रहा, ये इस तरह जी पहाड़ी किक्कर है वही रही, तो हौली हौली इन्हें ये सारा जंगल खत्म कर देना। सो ये समय की लड़ है कि इनू कंट्रोल किया जा। खेती के क्षेत्र में विस्तार, मवेशियों द्वारा अधिक चराई करने, एक ही तरह के पौधे लगाने की वजह से जंगल का अस्तित्व संकट में है। करते नुकसान ही है, बनते भी है, नुकसान भी करते, नवा दरख्त नहीं पैदा होंगे। जे चराण वाले ना हो अपना बकरील जरा बंद हो जाए तो नवा दरख्त आप ही पैदा हो जाए। और देखो पहाड़ी किक्कर किन्नी खड़ी है, क्योंकि इनू पशु खाते नहीं, इनू खाते नहीं, वाधू हुई जाती है। जोड़े वो दरख्त है ताली हो, किक्कर हो, बण होया, जंड होया, यह जी चीज़ा जो दरख्त नमें होंगे है उन्होंने बकरियां खा जाएँ पेड़ा बकरियां। और ये सारी जिहड़ी जिवें गुरु नानक देव जी ने कहा सी 1,84,000 मेदनी तुझ हेते होई, जिन्नियां जूनां ने वो सारियां अंडर थ्रैट रेस करके ने कि उन्हां दा हैबिटेट लॉस हो गया। तो हैबिटेट बेसिकली की है, जो असीं जिवें बर्ड्स की गल करते हैं, हुण बर्ड्स आ टटीरी आ उन्हें जिहड़े आपदे आंडे आ वह मिट्टी दे विच टीमां ते देने पार्टिकुलर टाइम पर, जो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया जे उन्हूं टीमां नहीं मिलनियां, पानी पहलां ला दिता जाऊगा, सोइंग पहलां हो जूगी, तो कित्थे आंडे देऊगी। देखो जिथे तो ये वाली चीज़ जुड़ी हुई है कि उत्थे दरख्त की टाणी या दरख्त कट्टना उत्थे तो बचिया होया, पर जिथे जिथे ये चीज़ नहीं हैगी
तो उत्थे तां इक जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी लोकां दे जिहड़े लोक उस जमीन नूं अक्वायर कर रहे आ है ना कब्जे वाला सिस्टम है बेसिकली की है कि बायोडावर्सिटी जिहड़ा बोर्ड नैशनल पहले नैशनल लैवल ते बायोडावर्सिटी नैशनल बायोडावर्सिटी बोर्ड आ फिर स्टेट बायोडावर्सिटी बोर्ड एज पर रूल जां जदों असीं मतलब बायोडावर्सिटी एक्ट बनिया होया बायोडावर्सिटी नूं कंजरवेशन दे लई बड़े कायदे कानून बने हुए आ उहदे अकॉर्डिंगली तां ईवन हरेक पिंड की भी जिहड़ी एक कमेटी है जिहड़ी कि लोकल फलोरा नूं डाकूमेंट करदी आ और सांभ संभाल च योगदान पाउंदी आ पर यह ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर किसी भी गवर्नमेंट वालों कोई बहुत ज़्यादा फंड नहीं आते कदे भी बहुत ज़्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैगा ये मैन पावर नहीं हैगी जे असी फलोरा आइडेंटीफाई कर लें उन्होंने रिवाइव करते हैं साढ़े सीड बैंक बनते हैं जीन बैंक बनते हैं फिर जोड़े लोग जिदा हूँ मान लो कोई कुछ लोग ने कोई साड़िया इदा दी इंटरव्यू वगैरह देख के भावुक होंगे जुड़ते हैं भी हाँ असं कुछ लाना चाहते हैं फिर उन्होंने प्लांट्स नहीं मिलते सीड नहीं मिलता तो वह चीज़ा जो जो असी रजिस्टर बन गए डाकूमेंटेशन होगी फिर कोई ना कोई कोई पॉलिसी बननी चाहिए है कि सीड बैंक क्रिएट होोटे लैवल तो लैके व्डे लैवल तक फिर वो जो फलोरा रिवाइव हो गया तो फोन आपे होना होना शुरू हो जाना देख रेख है इन्हों बचाने के लिए सानू हरेक बंद सोच समझ रखनी चाहिए है ये साढ़े एक आस्था तो है ही है पर जोड़ा साडा वातावरण है उन्होंने भी शुद्ध रखने के काफ़ी ये मददगार ने सारे की जिम्मेवारी बनती है जिदा हूँ दिन प्रतिदिन जिहड़े आम लोगों का रुझान है पेड़ लगाने का खेतों के बहुत ज़्यादा घट चुकया है तो कम से कम जिहड़े साढ़े कुदरती जंगल ने इन्हां नूं बचाया जाए अगे आने वाली पीढ़ियों भी दस्या जाए भी इन्दी जिहड़ी है रोकथाम इन्दा बचाओ किस तरह करना उन्हां नूं गाइडलाइन दित्ती जाए।